देश दुनिया में कोरोना ने कुछ ऐसी मार मारी कि सब कुछ रुक गया। बॉलीवुड में फिल्म की शूटिंग भी रुकी है और लिखने वालों ने अपने स्क्रिप्ट्स को भी रोक दिया है। लेकिन साहब, राजस्थान में एक फिल्म की स्क्रिप्ट जरूर लिखी जा रही है। फिल्म का नाम भी रख दिया है और स्टार कास्ट भी फाइनल कर दिया गया है। फिल्म में हीरो भी है और विलेन भी। फिल्म की लोकेशन भी है और दर्शक भी है। बस इस फिल्म का टिकट नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट इस फिल्म को फिलहाल राजस्थान की जनता देख रही है और अपने वीकेंड के मजे ले रही है। फिल्म के डायरेक्टर इस कोशिश में है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर जाए, सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले। वहीं सेंसर बोर्ड के कुछ मेंबर अभी असमंजस में है कि आखिर इसे पास किया जाए या फिर नहीं, इस फिल्म को कौन सा सर्टिफिकेट दिया जाए। बाकायदा गुपचुप बैठकों का दौर जारी है क्योंकि राजस्थान में बन रही ये फिल्म पूरी तरह सियासी है। फिल्म की इस कहानी में कोई रूठ रहा है तो कोई खुद को सही बताते हुए दूसरे को गलत ठहरा रहा है। फिल्म के एक करेक्टर को लेकर कहा जा रहा है कि वो फिल्म में काम ही नहीं करना चाहता, वो दूसरे प्रोड्यूसर की गोद में भी जा सकता है, लेकिन पहले जिससे करार हो गया उसका क्या होगा, सवाल ये भी है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं, करार तोड़ा भी जा सकता है और फिल्म नई भी बनाई जा सकती है। फिल्म में कानून का रोल भी है और वर्दी वालों का रोब भी, लेकिन अगर वो रोब डायरेक्टर पर हो तो काम चल नहीं सकता, लेकिन इस फिल्म में वो काम भी चलेगा। अब राजस्थान में फिल्म बन रही है लेकिन चिंता सेंसर बोर्ड को है, क्योंकि अगर वो फिल्म पास करती है तो मुश्किल और पास ना करे तो मुश्किल। परेशानियां तो अब चारों तरफ है क्योंकि यहाँ जिन दूसरे प्रोड्यूसर्स की फिल्म अटकी हुई है, या फिर यूं कहें कि वो अपनी फिल्म पर्दे पर लाना चाहते थे, अब उन्हें भी कुछ राहत मिल सकती है। दरअसल हिंदुस्तान में इस वक्त मानसून का मौसम चल रहा है, ठंडी पुरवाइयां चल रही है, बारिश हो ना हो, लेकिन इस मौसम में अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो पब्लिक के लिए भी एक नया तमाशा ही है। राजस्थान में भी कोरोना का कहर है, लेकिन अब इस सियासी फिल्म के तैयार होने के दौर में कोरोना का वायरस भी शर्मा गया है। वो वायरस भी शायद यही सोच रहा है कि इतना पाला तो हमने भी नहीं बदला जो इस फिल्म में नजर आ रहा है। लोगों के चरित्र पर संदेह की बातें तो खूब सुनी थी, लेकिन आंखों देखी हालात में अगर लोगों की चाल बदल जाए तो कहानी भी नया मोड ले ही लेती है। इस सियासी फिल्म का एक डायरेक्टर कहता है कि उसे चिंता नहीं, उसकी फिल्म चलेगी क्योंकि फिल्म के हीरो भी वो ही हैं। लेकिन साहब, ऐसा कम ही होता है कि किसी फिल्म में कोई विलेन खुद को हीरो की तस्वीर के रूप में ढालता हो, और हैरानी तो उस वक्त भी हो सकती है कि अगर फिल्म की कहानी कुछ ऐसी तैयार हो कि हीरो या फिर विलेन के अपने लोग भी किसी दूसरे के ठिकाने पर चले जाए। बहरहाल फिल्म की शूटिंग चल रही है, यहाँ शूटिंग देखने पर भी कोई पाबंदी नहीं है। लोकेशन राजस्थान की भी है तो देश की राजधानी दिल्ली भी है। शूटिंग हर जगह चल रही है, बस किरदारों के रोल को देखा जा रहा है। और देखना यह भी दिलचस्प होगा कि आखिर सेंसर बोर्ड का कौन सा सर्टिफिकेट इन्हें मिलता है। देखना यह भी होगा कि कौन किरदार किसके फिल्म में काम करता है और कौन प्रोड्यूसर अपनी फिल्म को कब रिलीज करता है, क्योंकि ये फिल्म सियासी है साहब। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।